आपको बता दें, डिंपल यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है, केवल धर्म के नाम पर वोट चाहती है भाजपा, युवा, किसान, मजदूर सभी लोग परेशान हैं। तो आपको बता दें, डिंपल यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है, कहा है कि किसान मजदूर सभी भाजपा से परेशान है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने अपने क्षेत्र में नुक्कड़ सभा में कहा कि समाजवादी पार्टी ही केवल विकास करती है, जिले में सपा ने ही विकास कराया, किसी के पास भी जाकर पूछ लिए कि मैनपुरी में किसने विकास कराया, वो लोग नेताजी का नाम लेंगे। तो भाजपा के पास गिनाने के लायक कुछ काम नहीं है, भाजपा केवल धर्म के नाम पर वोट मांग रही है और मतदाता से किए गए वादे कभी भी पूरे नहीं किए। और आपको बता दें, डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल धर्म के नाम पर वो वोट मांग रही है। तो आपको बता दें, डिंपल यादव ने साफ तौर पर कहा कि मैनपुरी में अगर आप गली गली में घूमेंगे और वहां पर जाकर पता करेंगे कि मैनपुरी का विकास किसने किया, तो पता चल जाएगा कि मैनपुरी का विकास समाजवादियों ने किया, नेताजी ने मैनपुरी का विकास किया। तो आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा डिंपल यादव ने। कोई भी वर्ग छूटा नहीं है, नहीं होगा 2029 में चुनाव, इसकी तैयारी कैसे देखते हैं इसको? मैं समझती हूँ घबरा रहे हैं, बुरी तरह घबरा रहे हैं, तभी इस तरह की बातें कर रहे हैं, हर प्रचार में कह रहे हैं। जब लोकतंत्र में लिखा गया है कि हर 5 साल में चुनाव होने हैं, जब हमारे संविधान के द्वारा ये बात लिखी गई है, तो आप लोकतंत्र और संविधान को उतारने की बात कैसे कर सकते हैं? वो कह रहे हैं बेटी को भी उतार दिया प्रचार में, परिवार चुनाव प्रचार में उतरा था, अब उनकी बेटी भी आ गई है। मैं समझती और ज्यादा घबरा रहे हैं, तो उनको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, हमारी तो यही राय रहेगी। ये घबराहट किस बात की, चुनौती है या कोई संघर्ष मान रहे हैं? अब वो आप सब लोग जानिए, आकलन करिए। समाजवादी पार्टी पीडीओ के नारा के साथ चली थी, उन्होंने कहा है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सेफाई के नाम से पीडीओ को फुल फॉर्म दिया है। मैं समझती हूँ पीडीए का फुल फॉर्म है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आधी आबादी अगड़े, सब हमारे पीडीए में शामिल है, सम्मिलित है, क्योंकि कोई भी वर्ग छूटा नहीं है जो आज अपने आप को प्रताड़ित महसूस ना कर रहा हो, जो ये नहीं, जो आज मुसीबत में ना हो और जो इस तरह के वातावरण और माहौल को समझ पा रहे हैं लोग कि किस तरह से ये लोग नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र भारत में इंडिया में स्थापित रहे। 2029 में चुनाव, इसकी तैयारी कैसे देखते हैं इसको? मैं समझ रही हूँ घबरा रहे हैं, बुरी तरह घबरा रहे हैं, तभी इस तरह की बातें कर रहे हैं।